मेहमान, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बारिश हो रहा है बाहर, तो मैं आज आती हूँ इस्कॉन मंदिर में जो है एल्गिन रोड में। मुझे मैं जस्ट भोग के पहले ही आई थी, तो मुझे वो प्यार थी, मुझे बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही प्यारा लगा। कलर से ये जय जगन्नाथ जी का मुझे तो बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका जो ड्रेस का जो डेकोरेशन है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूनिक है। मैं आई थी 12 बजे तक, तो तब तो भोग की आरती ऑलरेडी स्टार्टिंग हो चुका था। तो मैं जब अंदर गई तो मुझे अलग ही फीलिंग्स हुआ कुछ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर में लेफ्ट साइड में है राधा एंड श्री कृष्ण जी, और राइट साइड में है जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी, मिडिल में एक तुलसी का पेड़ और इस्कॉन का फाउंडर का एक मूर्ति और भी बहुत सारे गॉडेस का मूर्ति यहाँ पर है। ये जो बैकग्राउंड में गाना चल रहा था वो एकदम लाइव हो रहा था। मंदिर का एम्बियंस कुछ ऐसा था कि आप लोगों को, मुझे तो ऐसा ही लगा कि मैं और कुछ देर तक बैठी ही रहूं। हर इस्कॉन मंदिर का अंदर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। आज रात 8 बजे के बाद जन्माष्टमी है। मैं जन्माष्टमी के जस्ट 2 दिन पहले गई थी। अगर आप जन्माष्टमी के दिन या फिर राधाष्टमी के दिन अगर आप लोगों को जाना है तो ऑब्वियसली जा सकते हैं, आप लोग और भी प्रोग्राम्स देख पाएंगे। बिफोर मेकिंग दिस गॉडेस वीडियो प्लीज़ टेक परमिशन। फ़ोटोज़ उठाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 2021 में जन्माष्टमी के दिन मैं दुर्गापुर इस्कॉन मंदिर गई थी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, बट एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड बिकॉज बहुत भीड़ था, बहुत सारा चीज़ मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। और जन्माष्टमी के दिन तो ऑब्वियसली भीड़ रहेगा, तो इसलिए मैं 2 दिन पहले ही आ गई, तो मुझे भीड़ में शायद ठीक से रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं पहले ही आ गई हूँ। सबसे अच्छा लगा कि आज इस मंदिर में हर किसी उम्र का लोग यहाँ पर प्रेजेंट है। फाइनली आरती कंप्लीट हो चुका है, अभी मंदिर क्लोज होगा कुछ टाइम के लिए, फिर इवनिंग से ओपन हो जाएगा। ये इस्कॉन फाउंडर की मूर्ति, आप देख सकते हैं मंदिर का दरवाज़ा क्लोज हो चुका है। मंदिर का बाहर का व्यूज़ पे मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखिए। सीढ़ियों से जाकर आपको मंदिर में आना पड़ेगा। ये इस्कॉन मंदिर का रिसेप्शन, अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप रिसेप्शन में पूछ सकते हैं। मैं अभी भोग के प्रसाद के लिए जा रही हूँ, पता नहीं बहुत बारिश हो रहा है बाहर, मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मिलेगा अगर तो मैं ऑब्वियसली आप लोग से शेयर करूँगी। यहाँ पर जन्माष्टमी राधाष्टमी बहुत सारा प्रोग्राम्स है, अगर आप चाहो तो आ सकते हो। तो चलिए मैं पहले भोग के प्रसाद की कोशिश करती हूँ, अगर मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों से शेयर करूँगी। चलिए राइस, एक रोटी और दाल और 2 सब्जी है, बहुत अच्छा है, एकदम पूरा वेज है। अगर आप चाहो यहाँ पर ऑब्वियसली आकर और कुछ ले सकते हो, तो मैं बुक का व्यूज ऑब्वियसली शेयर कर दूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे भोग प्रसाद का व्यूज़। जितना भी दर्शनार्थी आए थे वो सब लोग भोग प्रसाद
यहाँ पर बैठकर खाए तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने पहले ही बताया था कि जन्माष्टमी का प्रिपरेशन चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। आपका नाम? धन्यवाद माता जी, मेरा नाम नंदन रवि कृष्ण दास है और मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ 2017 से। इस्कॉन एक इंटरनेशनल सोसाइटी है जहाँ पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार एकमात्र उद्देश्य है। चैतन्य महाप्रभु का एक भविष्यवाणी था कि पृथ्वी से जता अच्छे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचारित हवे मोर ए नाम, यानी कि पूरे विश्व भर में संसार के कोने कोने में ये हरिनाम का प्रचार होगा। क्योंकि ये भगवान खुद से भी कर सकते थे, लेकिन भगवान बोले हैं कि मैं अपना काम अपने शुद्ध भक्तों के हाथों से ही कराता हूँ। तो वो हमारे शुद्ध भक्त परम वैष्णव श्रील प्रभुपाद जी थे, जिन्होंने आज से 70 वर्ष की आयु में 40 दिन की यात्रा करके अमेरिका जा करके विश्व भर में ये हरिनाम का, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किए हैं। आज उसी का नतीजा है कि विश्व भर में प्रत्येक जगह में कृष्ण भक्त है और इस्कॉन मंदिर है, गौशाला है, गुरुकुल है और ये भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रचार प्रसार पूरे विश्व भर में हो रहा है। और भारतीय जो इम्पोर्टेंट्स है वो पूरे विश्व में विदेशी लोग समझ चुके हैं, हम लोग को भी समझने का दरकार है। हरे कृष्णा।